દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં સતત વધારો થતાં સામાન્ય લોકોનું બજેટ ખોરવાઈ ગયું છે। ડીઝલના ભાવ લગભગ સદી નજીક પહોંચી ગયા છે, ત્યારે બીજી તરફ જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુઓની કિંમતમાં પણ ધરખમ રીતે વધારો થઈ રહ્યો છે। 102 के पार पेट्रोल राजस्थान में पहुंच चुका है, डीजल भी 95 रुपए से ऊपर पहुंच चुका है, डीजल का भी जो है शतक लगने वाला है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पेट्रोल का भाव, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल का भाव 106 रुपए पहुंच चुका है। ये आंकड़े जो है आम जनता की जो जेब है उस पर काफ़ी असर डाल रहे हैं, और उसके साथ साथ में जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, लोगों की जेब पर अतिरिक्त भाव पड़ रहा है, लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेट बढ़ रहे हैं पेट्रोल के, क्या कुछ कहना है आपका, कितना भार पड़ा है आपकी जेब पे? काफ़ी भार पड़ा है पेट्रोल के, मतलब ज़्यादा भाव होने से बड़ी मुश्किल हो रही है। एक साथ 100 रुपये का जो ये जो भाव बढ़ा है, तो क्या लगता है डीजल के भाव बढ़ने के साथ साथ डीजल भी अब शतक के करीब पहुँच रहा है, तो क्या लगता है कि जो रसोई का जो बजट है उसके साथ साथ में आपका भी जो डेली का बजट है वो भी गड़बड़ा रहा है? डेफिनेट इसमें कोई शक नहीं है, इसके साथ साथ में रसोई का और ये भी दोनों बजट मतलब गड़बड़ा रहा है, और इसके भाव कम होने चाहिए पेट्रोल के, राज्य सरकार को इस पर वेट कम करना चाहिए। इनका कहना है कि राज्य सरकार को जो वैट है वो कम करना चाहिए, जो राज्य सरकार ने वैट लगा रखा है। और उसके साथ साथ में आज एक ताज़ा अपडेट मैं देना चाहूँगा, कुछ ही देर के बाद में कांग्रेस यहाँ प्रदर्शन कर रही है, जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, आपका क्या कहना है, कितने जेब पर जो है आपका भार बढ़ा है पेट्रोल के रेट्स बढ़ रहे? देखो सर, ये दिख रहा है 100 रुपये का नोट, इससे ही बढ़ाया जा रहा है। 100 रुपये में भी एक लीटर नहीं आ रहा? आप तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, 100 रुपये में भी एक लीटर नहीं आ रहा है। तो 100 रुपये के अंदर एक लीटर पेट्रोल भी नहीं मिल पा रहा है लोगों को, लोगों की जो पीड़ा है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। और इनकी ये मांग है कि राजस्थान सरकार जो वैट है उसको कम करे। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की तरफ से जो प्रदर्शन किया जा रहा है, केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि जो पेट्रोल और डीजल के भाव हैं उन्हें कम किया जाए। सहयोगी गिरीश के साथ ध्वज, इंडिया न्यूज़, जयपुर।